नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज फोनेटिक सिंबल में, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट सेकंड की। आज हम जानेंगे वोवल्स के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वोवल्स टोटल फोनेटिक सिंबल जो हैं 44 होते हैं, उसमें से 20 वोवल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो 20 वोवल्स होते हैं इसको दो भागों में बांट सकते हैं अपने। एक तो होते हैं प्योर वोवल्स जिसको मोनोफ्थोंगस कहा जाता है, और एक होते हैं डिफ्थोंगस, ये 8 होते हैं, इनको वोवल ग्लाइड्स भी कहा जाता है। और जो प्योर वोवल होते हैं उनको अपने वोकोइड्स भी कहते हैं, और जो डिफ्थोंगस होते हैं इनको वो कैंट्रोइड्स भी कहते हैं। तो प्योर वोवल 12 होते हैं और वोवल ग्लाइड्स 8 होते हैं। उन दोनों टाइप के वोवल्स की बात आज अपने इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बात करते हैं वोवल्स की। दोस्तों वोवल्स जो होते हैं प्योर वोवल्स, वोवल्स दो टाइप के बताए ना मैंने आपको, प्योर वोवल्स 12 होते हैं और वोवल ग्लाइड्स 8 होते हैं। प्योर वोवल्स आर 12 इन नंबर व्हेन द पोजीशन ऑफ टंग रिमेंस अनचेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए वोवल इट इज़ कॉल्ड ए प्योर वोवल। जब आप किसी वोवल को बोलते हैं ए ई आई ओ यू, वैसे तो 5 हैं ये वोवल और वैसे फोनेटिक सिंबल के हिसाब से 20 हैं वोवल। तो किसी वोवल को जब आप बोलते हो तो जो आपकी टंग है यानी कि जीभ अनचेंज्ड रहती है इस वोवल को बोलते वक्त, तो ये प्योर वोवल कहलाते हैं। ये प्योर वोवल हैं कौन कौन से? ये दोस्तों प्योर वोवल हैं, इनको आप इस तरह से हिंदी के अक्षरों के साथ सेट करके आसानी से याद कर सकते हो। ये नंबर में 12 हैं और इनका सिंबल इस तरह से, जैसे फर्स्ट है ए तो इसका सिंबल ये है, और ये ए वाला सिंबल जो है कौन सी स्पेलिंग में काम आता है, जैसे अबाउट, अलोन, अगो, अकाउंट, इस टाइप की जो स्पेलिंग्स होती हैं उनमें ये वाला सिंबल काम आता है। एक दूसरा ए भी है, इसका सिंबल इसके सामने है, जब अपने कप, बट, कम, ब्लड इस तरह से कि ए की आवाज़ आ रही है, देखो कप में कप, बट, कम, ब्लड, ए ए की साउंड इनके बीच में आ रही है, तो ये वाला ए इसका सिंबल ये है। एक अर की भी साउंड आती है जब अपने किसी स्पेलिंग को बोलते हैं, जैसे बर्ड, ए और रे दोनों की साउंड आ रही है, बर्ड, वर्ड, बर्न, गर्ल, ए और रे दोनों की साउंड मिक्स करके आती है, तो ये वाला वोवल थर्ड नंबर पे है, इसका सिंबल इसके सामने है। इस सिंबल को याद रखना है, जब भी किसी भी शब्द में अर की साउंड आ रही है जैसे बर्ड, वर्ड, बर्न, गर्ल में, उसके लिए सिंबल इसके सामने है। एक आ होता है, जैसे फादर, फा, फे, आ, और फिर लाफ, लाफ में भी आ की साउंड आ रही है, कार्ड, काम, आम, इन सब में आ आ की साउंड आ रही है और आ का सिंबल इसके सामने है। इसी तरह 5 और 6 नंबर पे एक जब अपने हिंदी के अक्षरों की बात करें, एक छोटी ई होती है, एक बड़ी ई होती है, छोटी ई का सिंबल इसके सामने है, बड़ी ई का सिंबल इसके सामने है। जब अपने किसी स्पेलिंग को लिखते हैं तो छोटी ई जो होती है छोटी मात्रा को बताती है, बड़ी ई बड़ी मात्रा को बताती है, जैसे सिट, फिट, सिक्स, फिक्स, ये छोटी ई की मात्रा में साउंड देते हैं, तो छोटी ई की मात्रा का जो सिंबल है उसके सामने है। बड़ी ई की मात्रा इन शब्दों में यूज़ होती है, जैसे सी, बी, सीट, चीज़, यानी कि ई की मात्रा जब लंबी खींचती है तो वो बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसे सी, बी, सीट, चीज़, चीज़ क्या होता है, चीज़ पनीर होता है। तो जहाँ बड़ी ई की मात्रा आती है उसके लिए सिंबल इसके सामने है, छोटी ई का सिंबल उसके सामने है। छोटी मात्रा जहाँ पर ई की आती है वहाँ पर छोटी ई वाला सिंबल काम में लेना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते समय, जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाला सिंबल, बड़ी ई की मात्रा होगी वहाँ बड़ी ई की मात्रा वाला सिंबल इसके सामने है 6 नंबर पर। 7 और 8 नंबर पर देखिए ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटे ऊ के लिए सीधा यू लिखा जाता है और बड़े ऊ के लिए यू के साथ तो डॉट लगा दिए जाते हैं। तो जहाँ छोटे ऊ की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पुट, बुक, एक्चुअल, एक्चुअल ऊ की मात्रा आती है, यहाँ पर भी फुल, बुश, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये सिंबल काम में अपने को लेना है 7 नंबर पे। और जहाँ बड़े ऊ की मात्रा यूज़ में लेनी है हमें, जैसे टू, फू, डू, रूड, इसमें ऊ थोड़ा, ऊ की मात्रा थोड़ी लंबी खींचती है, इसका मतलब ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो वहाँ पर ये सिंबल 8 नंबर पे जो है इसको काम में लेना है। और ये मैंने यहाँ पर इनको स्लेटिंग बार के अंदर रखा है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते समय वर्ड को स्लेटिंग बार के अंदर रखा जाता है, ये जो डंडे से दिखाई दे रहे हैं आपको ये स्लेटिंग बार है। 9 नंबर पे और 10 नंबर पे देखो, छोटी ए, बड़ी ए,
तो छोटी ए की मात्रा जनरल जैसे छोटी ए बी सी डी में अपने ई लिखते हैं वही इसका सिंबल है, और जो बड़ी ए का मात्रा है जो आप ए और ई को मिक्स करके एक सिंबल बनाते हैं तो ये इस टाइप का सिंबल बनता है। छोटी ए की मात्रा जहाँ हिंदी के शब्दों में अंग्रेजी के शब्दों में अपने देखते हैं कि किसी अंग्रेजी के शब्द को बोलते समय छोटी ए एक की साउंड आती है वहाँ पर तो छोटी ए वाला सिंबल लिखना है, और जहाँ पर बड़ी ए की मात्रा वाली साउंड आती है वहाँ पर बड़ी ए की मात्रा के लिए जो सिंबल है उसको यूज़ किया जाता है, जैसे टेन, बेड, पेन, एज, यहाँ पर छोटी ए की मात्रा की जरूरत पड़ती है। लेकिन बड़ी ए की मात्रा जैसे हाइट, बाइट, एक्स, माइट, ये ऐसे हैं, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे हेट, बेड, एक्स, मेट, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, ये तो छोटी ए की मात्रा होगी, हाइट, बेड, एक्स, माइट, इसको इस तरह से बोला जाता है। तो और लास्ट में देखिए ओ और ओ, 11 और 12 नंबर पे, एक तो ओ होता है जैसे अपने लिखते हैं हिंदी के अक्षरों में आ लिखकर ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, छोटी ओ की मात्रा बोलते हैं इसको, इसके लिए जैसे बड़ी ए बी सी डी में डी होता है उस टाइप से इसका सिंबल होता है, जैसे होट, ऑफ, गोट, मोरल, इस तरह से ओ की मात्रा आ रही है। एक आ लिखकर उस पर चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अपने बोलते हैं ना ऑल, टॉल, सो, हॉर्स, फॉर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें ये वाला सिंबल काम आता है जो 12 नंबर पे है। तो ये एक से लेके 12 तक सारे प्योर वोवल हैं, क्योंकि इनको बोलते समय जो टंग होती है वो अनचेंज रहती है, हमारी जीभ जो रहती है वो अनचेंज रहती है, इसलिए ये प्योर वोवल कहलाते हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वोवल्स जो होते हैं फोनेटिक सिंबल में कितने होते हैं, 20। तो ये हैं 12 प्योर वोवल, इनको प्योर वोवल को अपने और क्या बोल सकते हैं, मोनोफथोंगस बोल सकते हैं या इनको वोकॉइड्स भी कहा जा सकता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि फोनेटिक सिंबल 44 होते हैं, वोवल्स 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं। और जो वोवल्स होते हैं इनको अपने दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक प्योर वोवल होते हैं जिनको मोनोफथोंगस भी कहा जाता है, वोकॉइड्स भी कहा जाता है, सिंगल साउंड यूनिट भी कहा जाता है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो प्योर वोवल हैं या मोनोफथोंगस हैं, वोकॉइड्स हैं, या इनको सिंगल साउंड यूनिट भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखी है। और दूसरे टाइप के वोवल को चूंकि 20 थे दो भागों में बांटे, हमने 12 वोवल पढ़ लिए, अब दूसरे 8 वोवल कौन से होते हैं आइए उनकी बात करते हैं। दोस्तों ये जो 8 वोवल होते हैं इनको वोवल ग्लाइड्स भी कहा जाता है, कैंटोइड्स भी कहा जाता है, डिफथोंगस भी कहा जाता है, इनकी संख्या 8 होती है। वो जो प्योर वोवल थे उनको बोलते समय तो जो हमारी टंग है वो अनचेंज्ड रहती है बोलते समय, और यहाँ पर क्या होता है कि जो प्योर वोवल पीछे आपने पढ़े, दो दो प्योर वोवल मिलकर आपस में जोड़ा बनाकर एक वोवल ग्लाइड्स का निर्माण करते हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है, देखो, ए कम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल इंटू वन साउंड इज चेंज्ड इन डिफथोंगस, जब दो प्योर वोवल आपस में जुड़कर एक साउंड देते हैं तो उसको डिफथोंगस कहा जाता है, या वोवल ग्लाइड्स कहा जाता है, या कैंटोइड्स कहा जाता है। इनकी संख्या दोस्तों 8 होती है, ये 8 हैं, जैसे देखो उनको पीछे वालों को ही मिला के बनाया है, देखो पीछे छोटी ए के लिए जो सिंबल था और छोटी ई के लिए जो सिंबल था इन दोनों को मिलाकर बनाया ए, जैसे अपने किसी वर्ड को बोलते हैं पेज, डे, मई, गेट, तो इस तरह से छोटी ए और छोटी ई को मिलाकर दो प्योर वोवल है, वो देखो सामने ए नंबर पे, जो एक नंबर पे प्योर वोवल हैं छोटी ए और छोटी ई, इन दोनों को मिलाकर वोवल ग्लाइड्स का हमने निर्माण किया है, ये ए की साउंड दे रहा है, जैसे पेज, डे, मई, गेट, इस इनको बोलते समय। एक देखो आ और छोटी ई को मिलाकर हमने दूसरा वोवल ग्लाइड्स बनाया है, और ये आई की साउंड दे रहा है, जैसे फाइव, हाइट, बाइट, टाइगर, इसमें ये साउंड आती है। और एक ओ और ई को मिलाकर बनाया है तो ये सिंबल 3 नंबर पे है, ये ऑयल, बॉयल, जॉइन, नॉइस, बॉय, वहाँ पर ये साउंड आती है। एक ए और ऊ को मिलाकर बनाया हमने औ, जैसे हाउम, गाउट, आउल्ट, बाउथ, तो इस तरह के शब्दों में ये सिंबल काम आता है। 5 नंबर पे देखिए हमने आ और ऊ को मिलाकर, जो प्योर वोवल है आ और ऊ, इन दोनों को मिलाकर आउ बनाया है, जैसे हाउ, हाउस, डाउन, इनमें इन शब्दों में ये आवाज़ आती है। 6 नंबर पे देखो हमने छोटी ई और ए को मिलाकर एक वोवल ग्लाइड्स बनाया है, इसको ई कहा जाता है, जैसे चिया, निया, डिया, इसमें ये शब्द आता है काम।
जैसे 7 नंबर पे देखिए, हमने छोटी ए और ए को मिलाकर एक वोवल ग्लाइड्स बनाया है जिसको ए आ कहा जाता है, जैसे एयर, चेयर, वेयर, इसमें ये काम आता है। हमने छोटे ऊ और ए को मिलाकर एक ग्लाइड्स बनाया, वोवल ग्लाइड्स बनाया जिसको उसको इसकी साउंड आती है ऊ अ, जैसे पुआ, टुआ, एक्चुअल, एक्चुअल, इनमें यहाँ पर ये आवाज़ आती है। तो ये वोवल ग्लाइड्स जो होते हैं, जिसको डिफ्थोंगस भी कहा जाता है, ये जो हैं प्योर वोवल से ही मिलके बनते हैं। दो प्योर वोवल, जैसे देखो यहाँ पर लिखा ना, ए कम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स, दो प्योर वोवल्स मिलकर आपस में एक साउंड बनाते हैं जिसको डिफ्थोंगस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है सिर्फ वोवल्स की, और वोवल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वोवल्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, और दो भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोफ्थोंगस और डिफ्थोंगस। मोनोफ्थोंगस 12 होते हैं और डिफ्थोंगस 8 होते हैं। मोनोफ्थोंगस को ही प्योर वोवल कहा जाता है, इन्हीं को ही वोकोइड्स कहा जाता है, इन्हीं को ही सिंगल साउंड यूनिट कहा जाता है। और जो 8 होते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है, इनको वोवल ग्लाइड्स भी कहा जाता है, इनको कैंटोइड्स भी कहा जाता है, डिफ्थोंगस भी कहा जाता है, और टू वोवल यूनिट कम्बाइंड भी कहा जाता है इनको। इनकी संख्या 8 होती है, उनकी संख्या 12 होती है। तो आपको करना क्या है, आपको इनके सिंबल याद रखने हैं, ताकि अपने किसी वर्ड का जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो आपको सिंबल याद होंगे, तभी ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। तो आप आराम से पहले इन वोवल को याद कीजिए आज, कल अपने कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे, वोवल के कौन कौन से सिंबल हैं, प्योर वोवल के कौन कौन से सिंबल हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इनको क्रमबद्ध करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जो वोवल ग्लाइड्स होते हैं उनके सिंबल यहाँ पर हैं, आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से जब आपको वोवल और कॉन्सोनेंट के सारे सिंबल याद हो जाएंगे, फिर अपने कई सारे अच्छे अच्छे शब्दों का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। थैंक्स फ्रेंड्स।